हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमटी कैरियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रमन कुमार लेके हूँ आपका एलआईसी एएओ रिक्रूटमेंट 2019 के फुल डिटेल्स, जिसमें कि टोटल वैकेंसी आपके 590 हैं, सैलरी अप्रॉक्स 56,000 प्लस अलाउंस हैं। सारे ग्रेजुएट्स, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं एएओ जर्नलिस्ट के लिए। और एक एएओ आईटी पोस्ट है जिसमें कि बीटेक सीएस वाले, ईसी वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले और आईटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें वीडियो के अंत तक बने रहें। सारे इसमें जो जितने स्टेजेस हैं एग्जाम के, लाइक 3 स्टेजेस हैं, क्या क्या हैं, क्या आपके सिलेबस हैं, उसके बाद आपके क्या प्रोसीजर हैं आपके सिलेक्शन के, तो हर चीज़ इसमें डिटेल में बताऊंगा। कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, कब से फॉर्म रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, क्या फॉर्म की फ़ीस है, एवरी डिटेल आपको इसमें वीडियो में मिलेंगे। सो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, ये जानते हैं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका जो इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा आपका PSU है। इसमें आपके जो पोस्ट हैं, इसका नाम है AO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिसर रैंक का ये जॉब है। जर्नलिस्ट, IT, CA, एक्चुअरियल, राजभाषा, इस सब के लिए हैं आपके। तो देख सकते हैं AO जर्नलिस्ट के लिए टोटल पोस्ट 350 हैं, जिसमें कि जनरल का 140, EWS कैंडिडेट 35, OBC 85, ST 35, SC 55। तो ये जो AAO जर्नलिस्ट हैं, इसके लिए सारे एप्लीकेबल हैं, सारे ग्रेजुएट अभी देखेंगे उसका। EWS है आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। AAO IT की अगर बात करें तो AAO IT के टोटल 150 पोस्ट हैं, जिसमें कि आपके CS इलेक्ट्रॉनिक्स और IT वाले एप्लीकेबल हैं। अभी देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हर चीज़। अनरिजर्व के लिए 60 पोस्ट हैं, EWS के लिए 15 पोस्ट हैं, OBC 36, ST 14, SC 25। बाकी आपके AO CA हैं, देख सकते हैं टोटल 50, राजभाषा 10 और ये आपके एक्चुअरियल, ये हैं आपके 30। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं आपके शेड्यूल ऑफ इवेंट्स। तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले तो स्टार्ट डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च से, 2 मार्च से आपका स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन फी, एडमिशन चार्जेस, लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन पेमेंट का आपका 22 मार्च है। कॉल लेटर ऑनलाइन प्राइमरी जो प्रीलिम्स होगा वो 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में होगा, जिसका कि आपका कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना है 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। ऑनलाइन प्रीलिम्स जो होगा, फर्स्ट स्टेज टेंटेटिव डेट है 4th and 5th May 2019, और जो आपके मेन जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन है सेकंड स्टेज, उसका 28 जून 2019। बाकी आपके LIC के वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। एनरोलमेंट एंड बेनिफिट्स, यानी कि जो सैलरी की बात अगर करें तो स्केल है आपके 32,795 से ये 55,335, देख सकते हैं। सारे अलाउंस वगैरह हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 56,000 पर मंथ इन ए क्लास सिटी ए, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो कैंडिडेट ये देख रहे ना, आदमी पूछते हैं लोग सब कि कब से हम एज कैलकुलेट करेंगे, तो 1/3/2019 से आपको एज कैलकुलेट करना है। मिनिमम एज आपके 21 ईयर्स होना चाहिए, जो कि 1/3/2019 को, और मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 2 मार्च 1989 के बाद जितने भी जिनका DOB हैं, डेट ऑफ बर्थ हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं 2 मार्च 1989, यानी 2 मार्च 1989 से पहले वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर्स का। बाकी सारे कैंडिडेट्स आप SC ST आप देख सकते हैं, बाकी PWO ये सारे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जो जर्नलिस्ट वाले जो पोस्ट है AAO, उसमें आपके बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है तो AAO जर्नलिस्ट, जिसका 350 पोस्ट थे, वो उसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। AAO IT की बात करें तो IT में ग्रेजुएशन डिग्री देख सकते हैं, इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि आपके BTech होना चाहिए आपके कंप्यूटर साइंस से, IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर MCA वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, MSc कंप्यूटर साइंस वाले भी भर सकते हैं फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। अब फॉर्म की फीस की बात अगर कर ले तो यहाँ पे आपके जो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए आपके 100 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज हैं,
और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए आपके 600 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो फर्स्ट स्टेज है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रिलिम्स जिसको बोलते हैं। तो आपके फर्स्ट में रीजनिंग एबिलिटी रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 होंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम एग्जाम का रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग आपका एससी एसटी के लिए 16 और बाकी ओबीसी जनरल इस सब के लिए आपके 18 है, यानी 18 नंबर इसमें ईच सेक्शन क्वालिफाइंग है। रीजनिंग में 18 नंबर आप लाइएगा 35 में तभी आप क्वालिफाई होइएगा। सो इसमें 20 मिनट्स ड्यूरेशन देगा आपको। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 है, मैक्सिमम मार्क्स 35 है, सेम यहाँ भी कंडीशन है। जनरल वाले के लिए 18 मार्क्स लाना जरूरी है इस सेक्शन में भी, और एससी एसटी वाले को 16, इसका भी ड्यूरेशन 20 मिनट्स का है। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर वोकैबुलरी एंड कम्प्रीहेंशन। सो ग्रामर वोकैबुलरी और कम्प्रीहेंशन से इसमें क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 होगा। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस होंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग एससी एसटी के लिए 9 और आपका 10 मार्क्स है इंग्लिश के लिए, ये जनरल वाले कैंडिडेट के लिए 10 मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। 20 मिनट्स इसमें भी आपको रहेगा, एक घंटे का टोटल ये पेपर होगा। तो आप देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, एक घंटे आपके पास टाइम है, 70 मार्क्स हैं। जो इंग्लिश का है, इंग्लिश का आपका मेरिट में इंक्लूड नहीं होगा। देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग ओनली नेचर एंड मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, रैंकिंग में काउंट नहीं होगा। कैंडिडेट्स इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन एग्जामिनेशन, यानी कि जितना सीट है उसका 20 टाइम्स कैंडिडेट को दूसरे स्टेज सेकेंड स्टेज के लिए मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है फेज टू मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं AAO जर्नलिस्ट के लिए रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल नॉलेज है, 30 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 90 हैं, यहाँ पे 60 हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम होगा, क्वालिफाइंग जनरल के लिए 45 रीजनिंग में और जनरल नॉलेज में 30 है क्वालिफाइंग, और यहाँ पे एससी एसटी के लिए 27 और यहाँ पे एससी एसटी के लिए 40। यहाँ पे देख सकते हैं ये 60 मार्क्स का है, ये 90 मार्क्स का, यानी 50% यहाँ पे क्वालिफाइंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा है आपका करेंट अफेयर्स, उसके बाद उसमें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद आपके इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग, ऐसे। तो यहाँ पे देखते हैं आपके जो जनरल नॉलेज में ये आपके करंट अफेयर हैं ये वाले। सो यहाँ पे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन DIP जिसको बोलते हैं, 30 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 90 के होंगे, यहाँ भी क्वालिफाइंग 40 मिनट्स यहाँ पे भी ड्यूरेशन होगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स वेटेज होगा, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में क्वेश्चन होंगे, एससी एसटी 27 क्वालिफाइंग रहेगा, जनरल और बाकी ओबीसी इनके लिए 30 रहेगा, ड्यूरेशन 20 मिनट्स का रहेगा। नेक्स्ट है आपके इंग्लिश, तो ये हो गए आपके टोटल 120 हो गए और 300 मार्क्स आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा और 2 आवर्स का ये एग्जाम होगा। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश अगेन, जो इंग्लिश का आपका नंबर 2 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, लेटर राइटिंग ऐसे से 25 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 मार्क्स लाना आपको जरूरी है जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और एससी एसटी के लिए 9 मार्क्स चाहिए, आधे घंटे का इसमें टाइम रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज अगेन टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, रैंकिंग में इंग्लिश का मार्क्स आपको काउंट नहीं करेगा। देन सेम AAO IT चार्टर्ड अकाउंट में उस वहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज एक एक्स्ट्रा में रहेगा और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 30 मार्क्स के आपके हो गए इंग्लिश हिंदी मीडियम में रहेंगे, अगेन 45 आपका क्वालिफाइंग होगा, 40 मिनट्स टाइम होगा, ये आपके जनरल ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए 40। फिर यहाँ पे जनरल नॉलेज करंट अफेयर की बात करें तो 30 क्वेश्चंस अगेन 60 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिंदी इंग्लिश मीडियम में होंगे, एससी एसटी के लिए 27 आपके और जनरल ओबीसी EWS ये 30, 20 मिनट्स इसका टाइमिंग रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि IT इलेक्ट्रॉनिक्स इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 90 के होंगे, इंग्लिश हिंदी मीडियम में रहेगा, 40 मिनिमम क्वालिफाइंग है एससी एसटी के लिए और जनरल ओबीसी के लिए 45 क्वालिफाइंग है, 40 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। फिर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से 30 क्वेश्चंस, 60 वेटेज आपके, 27 इसके क्वालिफाइंग होगा एससी एसटी और जनरल ओबीसी के लिए 30, 20 मिनट्स आपके टोटल ड्यूरेशन होंगे। टोटल क्वेश्चन 120 हो गए, मैक्सिमम मार्क्स 300 हो गए और 2 घंटे का टाइम होगा। इंग्लिश में अगेन 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मैक्सिमम मार्क्स होगा, इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे 9 रहेंगे एससी एसटी के लिए क्वालिफाइंग और ओबीसी जनरल इस सब के लिए 10 मार्क्स रहेंगे क्वालिफाइंग, आधे घंटे का पेपर होगा। इंग्लिश अगेन टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फेज 3, एक फेज 3 भी होगा आपका इंटरव्यू,
जिसमें कि देख सकते मार्क्स ऑब्टेंड इन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड मार्क्स ऑब्टेंड इन मेन एग्जामिनेशन प्लस मार्क्स ऑब्टेंड इन इंटरव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि जो आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, प्रीलिम्स का फाइनल स्टेज में कोई योगदान नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ मेन एग्जाम के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट उससे तैयार होगा। बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स 60 का होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स EWS जनरल OBC एंड PWD कैंडिडेट के लिए 30 का होगा, यानी 50% मार्क्स लाना जरूरी है, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 27 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसका आपको PDF भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो आपको इसके फॉर्म, आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी 2 महीने इसमें एग्ज़ाम के हैं। सो IT, EC, CS ये वाले भी, आप लोग IT वाले में अराउंड 150 सीट्स हैं, तो अच्छा सीट है, तो आप लोग करिए, बहुत अच्छा ये भी जॉब है, प्रोफाइल बहुत अच्छा है इसका भी। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग CMT।